नमस्कार दोस्तों, लाइव जनदेश में आपका स्वागत है और मैं नाजिम खान। इस वक्त हम मौजूद हैं बागपत के रोम्स पिज्जा स्टूडेंट के अंदर, जहां पर आज हम एक बॉलीवुड एक्ट्रेस आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका नाम है ऋषि भुटानी। तो उनसे जानेंगे कि आज वो रोम्स पिज्जा पहुंचे हैं, रोम्स पिज्जा का स्वाद उनको कैसा लगा और बॉलीवुड करियर को लेकर भी उनसे कुछ हम सवालों को लेकर बात करने वाले हैं। तो ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा, बागपत के आप रेस्टोरेंट में पहुंचे रोम्स में, पिज्जा का स्वाद कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है और ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैं अभी रोम में ही था और मैं कल ही वापस आया हूँ। और मैं ये बोलूँगा कि रोम से रोम्स तक का जो सफ़र रहा बहुत ही अच्छा रहा। इनफैक्ट जो पिज़्ज़ा का टेस्ट यहाँ है वो बहुत ही अच्छा है और मुझे यहाँ पर आकर रोम की याद आ गई कि ऐसा लगा कि मैं रोम में ही पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, तो बहुत ही मज़ा आया मुझे। दूसरा, मैं देख पा रहा हूँ कि रेस्टोरेंट के अंदर भी काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करें, किस तरह का माहौल आपको बागपत के अंदर देखने का लगा? बड़ा बहुत ही फ्रेंडली माहौल है, सब लोग बहुत अच्छे हैं और आपस में इस तरह का प्यार बना रहे आपस में सबका, तो मज़ा आ रहा है। तो बॉलीवुड की करियर की अगर मैं आपकी बात करूँ, अब तक कितनी फिल्में कर चुके हैं? अब तक मैंने 12 फिल्में करी हैं और मेरी पहली फिल्म बोलो राम थी और अभी मेरी लास्ट फिल्म लाइंस करके अभी रिलीज हुई थी कुछ टाइम पहले, तो अभी 3 फिल्में अभी रिलीज पे हैं। सबसे बेटर जो रिस्पॉन्स अब तक देखने को मिला किस मूवी के अंदर? वोडका डायरीज जो मेरी फिल्म थी, वो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इवन लाइंस का बहुत अच्छा रहा, वो कोविड की वजह से वो OTT प्लेटफॉर्म पे आई है बूट पे, तो अब उसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं हम लोग। अपनी जो मूवी आपकी है उसका सबसे फेवरेट आपकी मूवी कौन सी है, उसका सबसे अच्छा डायलॉग एक में जानना चाहिए? मतलब ऐसे तो सारी गरीब हैं, जब भी मैंने फिल्में करी हैं अगर वो पसंद नहीं आती तो शायद मैं ना करता। सारी दिल के करीब है, मगर मैं एक्साइटेड हूँ, मेरी जो फिल्म आने वाली है जिंदगी जीना लाला, उसको लेके मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो रिलीज पे है अभी और मैं सब दर्शकों को चाहता हूँ कि वो सब ये फिल्म देखें और खासकर जो रोम्स से जो अटैच्ड लोग हैं जिनसे आज मैं मिला हूँ, मतलब मुझे चाहता हूँ कि बागपत से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले यहाँ से, तो वेट एंड वॉच। ये दोस्तों के ऊपर फिल्म है और इसमें काफी सारे दोस्त हैं, कॉलेज बेस्ड फिल्म है और कैसे दोस्त एक दूसरे के लिए मरते हैं फिर कैसे एक दूसरे को मारना चाहते हैं, पूरा कॉलेज है, पूरा कॉलेज फैशन कॉलेज के ऊपर पूरा बेस्ड है फिल्म, तो वेट करते हैं हम। अच्छा, आपकी फैमिली में से आप ही सिर्फ बॉलीवुड से अटैच हैं या कोई पापा मम्मी वगैरह? कोई भी नहीं, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। तो मतलब किस तरह का आपका अब तक एक एक्सपीरियंस रहा अब तक बॉलीवुड के अंदर? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस और लोग बहुत अच्छे हैं और डिफरेंट कास्ट से वहाँ पर लोग आते हैं और सबसे अच्छी बात जो है वहाँ पर लोग टैलेंट को पहले पूछते हैं फिर उसके रिलीजन पर जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि वहाँ पर आप कितने टैलेंटेड हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है और उसी हिसाब से आपकी प्रोग्रेस होती है। फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हुई आपकी जो आने वाली है, जिंदगी जिंगा लाला? जिंदगी जिंगा लाला की पहले तो हमने दिल्ली में करी थी कुछ पार्ट, उसका फिर बाकी का मुंबई में शूट हुआ है। और मेरी एक फिल्म है फंगस, वो हम लोगों ने मॉरिशियस और मेरठ में शूट किया है उस फिल्म को। और एक फिल्म है बैंड नंबर 17, वो हम लोगों ने कश्मीर में शूट करी है। तो अब आप यहाँ से रोम्स पिज्जा का स्वाद लेकर के जाने की कोशिश करेंगे, जाना चाहेंगे? हाँ, अब तो फिर सीधा दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे? अभी दिल्ली जा रहा हूं। अभी फिलहाल दिल्ली जा रहा हूं मैं। दिल्ली जा रहे हैं? हाँ जी। तो एक बार और जानना चाहेंगे स्वाद कैसा लगा रोम पिज्जा का, बिल्कुल क्लियरली बता दीजिए। अब आप इतना ही पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि बहुत मजा आया, बहुत ही बढ़िया टेस्ट था और हो सकता है कि यहाँ जब भी क्रॉस करूँ तो रोम्स पे रुक के जाऊँ मैं। ऋषि भुटानी जी से बात करके काफी अच्छा लगा, आशा करते हैं आप भी एक बार आइए और रोम्स पिज्जा का जायका चख के जरूर जाइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।